भारत के विकास की बढ़ती रफ्तार न केवल टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में तेज हो रही है, बल्कि यहाँ के युवा खेल जगत में भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चाइना में आयोजित हुए एशियन गेम्स से इसकी ताजा झलक सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊपर उठा रही है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार भारत देश की झोली में 100 मेडल्स डाले हैं, जो भारतीय इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा हैं। भारत ने रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए हैं। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूँ तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। टॉप स्कीम, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसे अभियान ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मंच दिया, पटल दिया और सुविधाएं दी कि उनको चिंता छोड़कर केवल अपनी खेल पर ध्यान किया और हर भारतवासी को सीना गर्व से चौड़ा किया जब मेडल जीता। अब देखिए, टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल्स में हो या बैडमिंटन की टीम में हो, ये भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है और इसके साथ साथ शॉट पुट में महिला ने 72 साल के बाद वापस मेडल जीतना और हम वैसे ही हमारे मेंस में 4x400 मीटर जो रिले टीम थी उसने भी 61 साल के बाद और डीकैथलॉन में तो 49 साल के बाद और अब हमारे जो एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम है उसने 37 साल बाद और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स में 40 साल बाद भारत को मेडल मिला इस एशियन गेम्स में इतिहास बनाने पर और भारत की मेडल टैली 100 पार करने पर। सभी खिलाड़ियों को मेरा सलाम और सभी भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई।